आस्था और धर्म का प्रतीक है ईश्वरा महादेव। जहाँ कोई अदृश्य भक्त करता है हर रात भगवान शंकर की पूजा। मुरैना जिले से लगभग 80 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में पहाड़गढ़ के पास घनघोर जंगल में स्थित ईश्वरा महादेव अपने आप में एक अलग ही आस्था और धर्म का प्रतीक कहा जाने वाला मंदिर है, जहां हजारों साल से कोई भगवान शंकर और नंदी की पूजा रोज कर जाता है, मगर आज दिनांक तक इस अदृश्य भक्तों का कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर वह कौन है जो रात को आकर भगवान शंकर की पूजा कर जाते हैं। इस अलौकिक शक्ति के बारे में जानने के लिए जब हमारी टीम चंबल के बीहड़ों में स्थित इस मंदिर पहुंची तो वहां का नज़ारा अपने आप में देखने लायक था। जहां लोगों से बातचीत की तो पता चला हजारों वर्ष पहले यहां पांडवों ने वनवास काटा है और कोई अदृश्य शक्ति भगवान शंकर की पूजा कर जाती है। इसके बारे में वहां से जानकारी हमारी टीम को प्राप्त हुई। उसमें बताया गया है कि पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी लगातार हजारों सालों से जलधारा शंकर जी की पिंडी को नमन करती हुई उनका जल अभिषेक करती है और चारों तरफ घनघोर जंगल है और पहाड़ियों का वास है। आसपास ना तो कहीं कोई रुकने की जगह है, नहीं पीने का पानी, और रास्ता भी इतना खराब है कि वहां गाड़ियों से तो नहीं जाया जाता है। आइए आपको ले चलते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अदृश्य मंदिर की अधिक जानकारी जानने के लिए। 10 किलोमीटर अंदर जंगल में हूँ, जो कि यहाँ ईश्वरा महादेव का मंदिर पास ही है। आप देख सकते हो यहाँ से ईश्वरा महादेव तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हैं। इसके बाद यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती। अब देखते हैं कि आगे और क्या रेस मिलते हैं। हम आप पहुँचे हैं प्रसिद्ध मंदिर ईश्वरा महादेव। आप देख सकते हो कि मेरे जस्ट पीछे भगवान शंकर जी की पिंडी है, जहाँ पर पूजा किस तरीके से होती है वो आप देख सकते हो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। देखिए ये वो प्राचीन मंदिर है जहाँ पर आज दिनांक तक कोई ये पता नहीं लगा पाया कि शिवलिंग की पूजा कौन करता है। यहाँ के तत्कालीन राजा ने भी यहाँ काफी साल पहले पहरा भी लगाया था, मगर जैसे ही 3 से 4 बजे का समय आता है प्रातः काल को, सभी लोग आश्चर्यजनक बात है, आप विश्वास नहीं करोगे, सभी लोग आश्चर्यचकित रह के उनके बावजूद भी यहाँ पूजा हो जाती है। मगर ये अदृश्य भक्त कौन है, कौन इसकी पूजा कर रहा है, ये सवाल आज भी जैसा कि तैसा बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में और भी रोचक जानकारी हम यहाँ के पुजारी जी से लेते हैं। आइए उनसे करते हैं चर्चा। के बारे में ऐसा बताया जाता है कि कोई यहाँ सुबह के टाइम पूजा कर जाता है जी, क्या ये बात सही है जी? तो यहाँ कौन पूजा कर जाता है, इसकी कुछ जानकारी है जी? भैया बहुत से लोग तो जी कहते हैं कि भीष्म माता है जी, और जी सिद्ध बाबा का जी मंदिर बना है जी, उसी में हम तो इनकी जानते हैं कि सिद्ध बाबा पूजा कर भी आते हैं, वो 3 से 4 के बीच में आते हैं, और जी पता नहीं है क्या कब कर जाती है भी, लेकिन कैमरा वगैरह सब लगा ली लेकिन पकड़ नहीं पा रही। आपको यहाँ कितने वर्ष हो गए महाराज जी इस मंदिर? यहाँ आज 10-11 वर्ष है। कभी आपने प्रयास नहीं किया जी? प्रयास किया, पता ही नहीं चलता है तो जी बिल्कुल पता नहीं। तो यहाँ पूजा किस चीज़ की होती है? चावर, चंदन, बेलपत्र जी, सवेरे चढ़े मिलते हैं हमारे लिए। मंदिर में, इस मंदिर पे काफी समय से आ रहा हूँ। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ कोई पूजा कर जाता है, क्या सही बात है? ये बात सही है, यहाँ पर पता नहीं पड़ता है, सुबह अपने आप पूजा हो जाती है, दूध फूल वगैरह सब चढ़े हुए मिलते हैं, भीड़ पत्र वगैरह चढ़े हुए मिलते हैं। इसका भी पता लगा पाए कि कौन पूजा कर रहा है? नहीं, इसका राजा महाराजा भी पता नहीं लगा पाए, उन्होंने काफी पहरे वगैरह लगा लिए पर लेकिन इसका ये पता नहीं पड़ पाया आज तक किसी ने भीड़ पत्र और फूल वगैरह कौन चला के जाता है। इस मंदिर की काफी महिमा है, जो भी कुछ अपने मन से मांगता है उसको पूरा मिलता है।